मिलिए कश्मीर की पहली प्रोफेशनल फीमेल बेकरी शेफ से। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू में है, जम्मू के विवांता में काम करती हैं और मेरे साथ लाइव जुड़ी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है, बहुत जगह से इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। और क्या कुछ अभी तक इन्होंने पाया और क्या इनके जहन में आया, चलिए जानते हैं। जी महक, अपना पूरा नाम बताइएगा और कहाँ से ताल्लुक रखती हैं, बताइए। फर्स्टली अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरा पूरा नाम महक खुर्शीद अवान है एंड मैं बिलोंग करती हूँ उड़ी से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। जी, और बताइएगा कि अभी आप कहाँ पर कहाँ पे काम कर रहे हैं, एज अ शेफ ही आप काम कर रहे हैं, और कश्मीर से जम्मू अब आप काम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अभी जम्मू में काम कर रही हूँ। विवंता जो रिसेंटली अभी ताज ने ही उसको यहाँ पे लिया है होटल को, और बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर से बाहर काम करना। मुझे अच्छा फील हो रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज मुझे लग रहा है अपने आप में, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस टाइम। तो आप बताइएगा अभी तक आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं, कहाँ कहाँ से अप्रिसिएशन मिली है? मुझे बारामूला से सैरिश मैम से मिला है, अप्रिशिएट किया गया है मुझे। मैं महाराष्ट्र गई थी, वहां से मुझे अवार्ड मिला गया है। मुझे उड़ी में जीओसी साहब जो है हमारे, उनने अप्रिशिएट किया गया है। मैनी अवार्ड्स मिले हैं और हर अलग अलग एरिया से मुझे मिले हैं अभी अवार्ड्स। बिल्कुल, बताइएगा आप शेफ हैं, कैसे आपके जहन में आया कि मुझे शेफ बनना है? एक्चुअली मैं 2016 में कंप्यूटर करती थी ब्रिगेड में ही, आर्मी एरिया में। तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था, और जैसे आपको पता है हमारे नेशनल टीवी पे मास्टर शेफ करके एक ये भी आता है, शो भी आता है, तो क्रेज होता था उस टाइम पे कि ये यूनिफॉर्म पहननी है, कुछ भी है बट ये पहनना है और थोड़ा डिफरेंट करना था। क्योंकि आपको भी पता है फैशन डिजाइनर कोर्स, टेलरिंग, नर्सिंग, ये बहुत हो चुका था, तो मुझे कुछ यूनिक सा करना था और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करना था। तो मैंने सोचा कि मैं बेकरी में ही अपना हाथ आजमाऊं, और शुक्र है अल्लाह ताला का, आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि लोग मुझे एक शेफ के नाम से जानते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। क्या स्पेशलिटी है आपकी, सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? लगता है कि ये है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकेगा। बनाती तो मैं सब कुछ हूँ अच्छा, बट ज्यादा कुकीज, मुझे नई नई रेसिपीज क्रिएट करना अच्छा लगता है। मैं कुकीज में बहुत माहिर हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं क्रिएट करती हूँ नई नई चीजें। तो बाकी सारी चीजें तो अच्छे से आती हैं, लेकिन कुकीज मुझे ज्यादा अच्छा आता है। वाह, क्या बात है। तो अब जम्मू में है तो कश्मीर को कितना मिस कर रही है? कश्मीर तो आपको पता है बहुत ब्यूटीफुल वैली है, एंड जम्मू में इस टाइम बहुत गर्मी हो रही है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। बट जिस चीज में स्ट्रगल ना हो तो मजा कुछ नहीं आता, हर चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए कुछ खोना पड़ता है। फैमिली का कितना सपोर्ट है इन सब चीजों के लिए? फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है, पहले से ही सपोर्ट था, और एज ए कश्मीरी लड़की इतना बाहर मैं रह चुकी हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पहले पापा ही से स्टार्ट हुआ था। माँ का तो आपको पता है, माँ के लिए एक बच्चा बाहर जाता है तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मेरे जो पापा हैं उनने मुझे कभी ये नहीं सोचा ये एक लड़की है, हमेशा बोलते थे कि तू बेटा है मेरा और तू बहुत आगे जाएगा, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला। इतना नहीं कि मैं कश्मीर ही तक और जम्मू ही तक मैंने काम किया, मैंने पुणे में काम किया है, मैंने आसाम जो इंडिया का लास्ट विलेज है वहां काम करके आई हूँ। असीम फाउंडेशन एक एनजीओ है, वन ऑफ द बेस्ट महाराष्ट्र का, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, उनने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया था, तो बहुत जगहों पे काम करके आई हूँ मैं। तो जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी, या जो जिंदगी में अपने आप ही की तरह सपने पूरा करना चाहती हैं, उनको क्या कहेंगी?
बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है उसको अंदर मत रखो, उसको बाहर निकालो। जब आप उस चीज को बाहर निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि आप में कितना टैलेंट है। और अगर आप लोगों का सुनोगे तो वही होता है कि 2 दिन तक मतलब हम फिर 2 दिन भी नहीं रह सकते हैं। मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी, मैं उड़ी के बहुत छोटे गाँव से बिलोंग करती हूँ। मैं वहां से यहाँ और यहाँ से कहाँ तक जा सकती हूँ, तो बाकी लड़कियां भी जा सकती हैं। एक व्यूअर है महक जावेद अहमद है कश्मीर से, जो आपको बता रहे हैं कि मेरी मानो तो वापस आ जाओ और कश्मीर में ही कुछ अपना स्टार्ट करो, ज्यादा कामयाब हो जाओगी। क्या कहोगी? जरूरी नहीं कि हम जहां से हैं वहीं से कामयाबी मिलेगी। कश्मीर से बाहर निकलकर भी दुनिया है, कश्मीर में ही दुनिया नहीं है, कश्मीर से बाहर भी निकल के दुनिया है। तो मैं जम्मू में भी हूँ तो मैं बहुत अच्छा जा रही हूँ, मैं बाहर जाऊंगी तो उससे भी अच्छा मिलेगा मुझे। तो जरूरी नहीं कि कश्मीर में ही है। सर जी थोड़ा आप बाहर निकलें। राइट, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो अब आपको लगता है कि एक लड़की के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है घर बैठो डिपेंडेंट रहो, मतलब वो कन्फाइंड दुनिया में नहीं रहना है। एक्चुअली मैं अगर बात करूं कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में कोई स्किल है आप उस चीज को आगे बढ़ाएं और स्किल्स को बाहर निकालें, आप खुद के लिए कमाएं, अपने घर वाले के लिए। जब आप अपने घर वालों के लिए कमाएंगे और जब आप वो पहली कमाई अपने पेरेंट्स को दोगे, उनके फेस पे जो खुशी होती है ना वो एक अलग वे में जाती है। और डिपेंड रहना जरूरी नहीं है आपके अंदर। मेरे अंदर बेकरी का हुनर है और मैं उस चीज को कर रही हूँ और मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद कर रही हूँ, खुद कमा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं हर एक लड़की को यही कहना चाहती हूँ। जाते जाते सभी के लिए, जो भी व्यूअर्स इस टाइम आपको लाइव देख रहे हैं, आपकी कामयाबी को लेके खुश हो रहे हैं, जाते जाते उनसे क्या कहना चाहिए? मैम मुझे एक बात करनी थी, एक पॉइंट जी एक जी यहाँ पे बताना था। जी कुछ लोगों की सोच बड़ी छोटी है कि जो होटल लाइन में लड़कियां हैं वो बहुत गलत काम करती है, बहुत गलत चीज से उनको देखा जाता है कि आप होटल लाइन में काम कर रहे हो तो आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, मेरा ये जवाब है। और हम बात ये बोलते हैं कि आप लोगों की शादी नहीं होगी क्योंकि आप होटल लाइन में काम करते हो, आप बहुत गंदी जगह पे हो, ये है। तो जरूरी नहीं कि हर कोई होटल लाइन की लड़की गलत होती है, जरूरी नहीं कि जो लड़की बाहर निकलती है उसका करेक्टर खराब है। अगर किसी लड़की को कुछ गलत काम करना होगा वो ताले के अंदर भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि वो बुर्का लगा रही है तो ना लगा रही है तो वो करेक्टर लेस है, बुर्के के अंदर भी गलत हो सकता है। तो होटल लाइन गलत नहीं है, लोगों का नजरिया गलत है। मैं भी एज ए कश्मीरी काम कर रही हूँ और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। और मेन चीज, जब आप किसी में एक काम कर रहे हो, होटल लाइन कोई गलत नहीं है, हम एक एक कोर्स होता है ये, ठीक है, जिसमें हम डिप्लोमा करते हैं। तो अगर हमें गलत काम करना होता तो हम सीधा कुछ ना कुछ तो करते ही। तो मेरे जितने भी व्यूज मुझे देख रहे हैं मैं उनके लिए यही मैसेज कर रही हूँ कि हर कोई लड़की गलत नहीं होती, अपना नजरिया चेंज करो। ओ वाह, आपके लिए मतलब इतनी अच्छी बात आपने कही, आपके लिए तालियां बनती हैं महक। थैंक बहुत यू ही प्यारी मैम, बात थैंक यू आपने सो मच। कही कि इतने अच्छे से कहा, और बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहूंगी, जो लड़कियां होटल लाइन में काम करती हैं वो गलत नहीं होती हैं। जिसको गलत करना होता है वो घर के बंद ताले में भी गलत कर देता है। तो जी मैम, बिल्कुल महक, आप बहुत बहुत आगे जाएं, हमारी बहुत सारी थैंक यू विशेष मैम। आपके साथ हैं। आप कश्मीर का नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हासिल करें, और आपके पेरेंट्स को सल्यूट इंशाल्लाह, है जो आपको सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू मैम, वैसे भी तो ऐसे ही हमारी कश्मीर की सारी बेटियां बहुत आगे जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़े हो, यही हम दुआ मांगते हैं। और बहुत अच्छा लगा महक आपसे मिलके, यूं ही आप सेम यू आगे मैम, बढ़ते रहे और कामयाब होते रहे। थैंक यू तो सो मच मैम, थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो महक हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी बारामूला के उड़ी तहसील से। उम्मीद है कि आप महक का इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज सबको जाए कि जो होटल में लड़कियां काम करती हैं वो गलत नहीं होती बल्कि बहादुर बेटियां होती हैं। देखते रहे जिग्नेश।